तर हॅलो नमस्कार मित्रांनो, मी सौरभ तुमच्या एडुकेटामध्ये स्वागत करतो. हॅलो दोस्तों, मैं सौरभ आपका एडुकेटा में स्वागत करता हूँ. आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे हाउ टू कवर बैकलॉग्स, यानी कि जो आपको बैकलॉग्स रहने वाले हैं उन्हें किस तरह से कवर किया जाएगा. और ये वीडियो क्लास 10th के 11th के और 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के लिए रहने वाला है. और इस वीडियो में बैकलॉग्स क्या होते हैं, किस तरह से अवॉइड करना चाहिए या फिर किस तरह से कवर करना चाहिए, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आपको मिलेंगे. तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा. तो चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहले बेसिक क्वेश्चन हर एक स्टूडेंट के मन में आता है जिसको बैकलॉग पता नहीं है, दैट इज व्हाट इज अ बैकलॉग. बैकलॉग होता क्या है, मैं आपको सिंपल वे में एक्सप्लेन करता हूँ. आपके पढ़ाई करने के टाइमलाइन से जो चैप्टर से फिर जो टॉपिक्स छूट जाते हैं उन चैप्टर से फिर उन टॉपिक्स को हम लोग बैकलॉग्स कहेंगे. अगेन रिपीट करता हूँ, आपकी जो पढ़ाई करने की जो टाइमलाइन है उस टाइमलाइन में करंटली प्रेजेंटली कोई और चैप्टर फिर कोई और टॉपिक पढ़ाया जा रहा है, बट उस टाइमलाइन से जो टॉपिक्स आपके छूट गए या फिर जो चैप्टर्स आपके छूट गए उनको हम लोग बैकलॉग्स कहेंगे. समझ में आ गया बैकलॉग्स क्या होता है. बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ, दैट इज रीजंस फॉर बैकलॉग. अब ये जो बैकलॉग आ चुका है इस बैकलॉग का रीजन क्या हो सकता है. अब रीजन तो ढेर सारे रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि आप खुद बीमार हो इसीलिए कुछ टॉपिक्स को पढ़ नहीं पा रहे हो, आप गांव चले गए किसी से मिलने, किसी का फंक्शन अटेंड करने, और इसी तरह से बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं. बट आज के वीडियो में हमें रीजंस डिस्कस नहीं करना है. आज के वीडियो में क्या डिस्कस करना है, हमें ये डिस्कस करना है कि ये जो बैकलॉग आ चुके हैं इन्हें कवर किस तरह से करना है. ठीक है, तो आगे चलते हैं, पता चल जाएगा किस तरह से कवर करना है. अगला पॉइंट इज प्रेजेंट वर्सेस बैकलॉग. अब ये बैकलॉग के बारे में अगर आपने इससे पहले कोई वीडियो अगर देखा होगा तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे क्रिएटर, जो बड़े बड़े क्रिएटर जिन्होंने बैकलॉग के बारे में बताया, उनका जो एक मेन पॉइंट था जो कि मुझे भी बहुत पसंद आया, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि वीडियो में मैंने इंक्लूड किया है, दैट इज वो बोलते कि जब बैकलॉग्स कवर करना चाहते हो ना, तब जो प्रेजेंट में पढ़ाया जा रहा है या फिर जो प्रेजेंट में पढ़ रहे हो दैट इज ऑल्सो उतना ही इंपॉर्टेंट जितना आपके लिए बैकलॉग इंपॉर्टेंट है. मतलब प्रेजेंट टाइम में जो पढ़ाया जा रहा है या फिर प्रेजेंट टाइम में जो पढ़ रहे हो उसको भी उतना ही इंपॉर्टेंस देना है जितना आप बैकलॉग को कवर करने के लिए फिर बैकलॉग के टॉपिक्स को इंपॉर्टेंस देने वाले हो. यानी कि प्रेजेंट में जो पढ़ाया जा रहा है और जो बैकलॉग है इन दोनों को साथ ही साथ लेके आपको चलना है. बट ये पॉसिबल है, पॉसिबल है. कैसे है अगले पॉइंट में पता चलेगा. टाइम को खोद के निकालो. अभी जो पॉइंट है दैट इज टाइम को खोद के निकालो. इस पॉइंट के मदद से आप प्रेजेंट में जो पढ़ाया जा रहा है और जो बैकलॉग हो चुका है उसको साथ में पैरेलली लेके चल सकते हो. आप टाइम को खोद के निकालो यानी क्या, देखो फॉर बेसिकली एक दिन में बहुत सारे अलग अलग एक्टिविटीज करते हो, खाना खाना, थोड़ा सा खेलने जाना, फैमिली के टाइम स्पेंड करना, फैमिली के साथ टाइम को स्पेंड करना, सेल्फ स्टडी करना, होमवर्क करना, सोना, ये जो एक्टिविटीज है हर एक एक्टिविटीज में से थोड़ा थोड़ा सा टाइम आपको सेव करना है. और ये थोड़ा थोड़ा सा टाइम सेव करोगे ये आगे चल के एक लंप, मतलब एक पूरा इकट्ठा करके एक पूरा बड़ा सा टाइम बनेगा. एंड दैट बड़ा सा टाइम यू कैन डेडिकेट टू योर बैकलॉग्स. और इसके अलावा दिन में जो सेल्फ स्टडी करोगे उसमें आप प्रेजेंट डे का जो पढ़ाया जा रहा है उसको रिवाइज करोगे फिर उसको पढ़ोगे. तो इस तरह से आप प्रेजेंट डे में जो चल रहा है उसको और बैकलॉग को साथ में लेकर चल सकते हो. समझ में आया आपको किस तरह से टाइम को खोद के निकलना है. अब ये हर एक स्टूडेंट का अलग अलग मेथड हो सकता है, ठीक है, तो आप देखना, ठीक है. और ये कब तक करना है, जब तक आपका बैकलॉग कवर ना हो जाए. एक बार बैकलॉग कवर हो जाता है तो बैक टू नॉर्मल शेड्यूल जैसा आपका पहले था, पर तब तक आपको थोड़े से सैक्रिफाइसेस करने पड़ेंगे और टाइम को सेव कर करके बैकलॉग को कवर करना पड़ेगा. बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ, दैट इज लिस्ट ऑफ चैप्टर्स. तो जब भी आपको बैकलॉग कवर करना है तो सबसे पहला तो आपने देखा है या फिर टाइम को खोद के निकालना, मतलब टाइम निकाल के रखा अपने बैकलॉग कवर करने के लिए. उसका अगला पॉइंट आता है लिस्ट ऑफ चैप्टर्स. तो व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू मेक लिस्ट ऑफ चैप्टर्स और लिस्ट ऑफ टॉपिक्स दैट आर बैकलॉग्स एंड यू हैव टू प्रायोरिटाइज देम ऑन द बेसिस ऑन थ्री फैक्टर. ठीक है, जो चैप्टर्स जो टॉपिक्स को लिस्ट आउट करोगे उनको तीन फैक्टर के बेसिस पे आपको प्रायोरिटाइज करना है, फिर प्रायोरिटी देना है. कौन से तीन फैक्टर हो सकते हैं, सबसे पहले तो डिफिकल्टी लेवल, मतलब क्या डिफिकल्टी लेवल है टॉपिक्स की या फिर चैप्टर्स की, उसके बेसिस पे आप उनको लिस्ट आउट कर सकते हो. सेकंड इज टाइम रिक्वायर्ड, मतलब कितना टाइम लगता है उस पर्टिकुलर चैप्टर को, उस पर्टिकुलर टॉपिक को कवर करने में. थर्ड इज वेटेज, यानी कि इंपॉर्टेंस, मार्क्स का इंपॉर्टेंस किसको कितना ज्यादा है या फिर किसको कितना कम है, उसके बेसिस पे आप प्रायोरिटाइज कर सकते हो. एंड देन यू कैन गो फॉरवर्ड टू कवर देम. आप तभी आग जाके उसको कवर कर सकते हो. एक बार प्रायोरिटाइज कर लेना, प्रायोरिटाइज, उसके बाद डिसाइड करना
कि हाँ भाई मुझे ये चैप्टर ये टॉपिक जो है पहले करना है, उसके बाद ये जो टॉपिक है इसको बाद में करना है। समझ में आया? नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, यूज ऑफ डिफरेंट रिसोर्सेस। अब चूंकि आपने लिस्ट ऑफ चैप्टर्स या फिर लिस्ट ऑफ टॉपिक्स कर चुके हैं, उसको प्रायोरिटाइज किया है, आपको पता चल गया है कि कितने टॉपिक्स कितने चैप्टर्स और कब और कैसे पढ़ना है। अगला पॉइंट दैट इज यूज ऑफ डिफरेंट रिसोर्स, आपको अलग अलग रिसोर्सेज को इकट्ठा करना पड़ेगा पढ़ने के लिए। अब इन सारे रिसोर्सेज जितने भी रिसोर्सेज आपके आजू बाजू अवेलेबल है, ताकि वो फ्री हो या फिर पेड हो, जितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल हो सकते हैं, सारे के सारे रिसोर्स को यूज करना और जो बैकलॉग्स के टॉपिक्स है या फिर जो चैप्टर्स है उनको एकदम परफेक्टली करना है। किस तरह से करना है? परफेक्टली करना है। अब ये रिसोर्सेज में कौन कौन सी चीजें आ सकती है? आपके खुद के हैंड रिटन नोट्स आ सकते हैं, आपको आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट में या फिर ऑनलाइन अगर रेडीमेड नोट्स मिल रहा है वो नोट्स हो सकता है, आपके रेफरेंस बुक्स हो सकते हैं, आपके टेक्स्ट बुक्स हो सकते हैं, ठीक है, या फिर बहुत सारे PYQs, फिर बहुत सारे मटेरियल अवेलेबल है, यूट्यूब के वीडियोज हो सकते हैं, आपके स्कूल के टीचर्स भी हो सकते हैं जो आपको हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। इन सारे रिसोर्सेस को बहुत बढ़िया तरीके से यूज करना और जो बैकलॉग्स है उनको एकदम परफेक्टली पढ़ना है। समझ में आया? नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, दैट इज इवेल्युएट योरसेल्फ। आप अपने रिसोर्सेस इकट्ठे किए, आपने बैकलॉग्स को बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ा भी, कंप्लीट भी कर लिया, बट आपको इवेल्युएट करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इवेल्युएट यानी खुद को जज करना है कि आपने कितने ढंग से उस टॉपिक को या फिर उस चैप्टर को पढ़ा है। आप कैसे जज करेंगे खुद को, कैसे इवेल्युएट करेंगे खुद को? सिंपल है, बाय सॉल्विंग सम ऑफ द क्वेश्चंस। अब ये क्वेश्चंस कौन से सॉल्व करने हैं? PYQs हो सकते हैं, ठीक है, टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन हो सकते हैं, रेफरेंस बुक्स में से कुछ अलग क्वेश्चन हो सकते हैं, सैंपल पेपर में से कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं। ये क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको पता चल जाएगा कि आपने बैकलॉग्स को ढंग से कवर किया है या नहीं। अगर इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद आपको पता चलता है कि आप वीक हो कोई पॉइंट में, तो वॉट यू हैव टू डू इज यू हैव टू गो अगेन, ग्राइंड करना है इन टॉपिक्स को, और उसके बाद फिर से क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद ही आगे बढ़ना है। इस मेथड को फॉलो करके देखिएगा, जो कि बहुत इफेक्टिव रहने वाला है। अगला पॉइंट इज वीकली रिवीजन। अब प्रेजेंट डे का पढ़ाया हुआ भी पढ़ रहे हो, बैकलॉग्स को भी साइमल्टेनियसली पढ़ रहे हो, बट एट द एंड ऑफ द ईयर जब आपको पेपर आपके हाथ में आ जाता है, आपको ऐसा लगता है यार ये टॉपिक तो कभी पढ़ा ही नहीं, ये टॉपिक मुझे याद ही नहीं आ रहा है, तो उस चीज के लिए सबसे इंपॉर्टेंट सोल्यूशन इज दैट इज वीकली रिविजन्स। वीकली रिविजन्स करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब समझो एक वीक में अगर आप बैकलॉग्स के टॉपिक्स या फिर चैप्टर्स को पढ़ रहे हो, उसके साथ ही साथ प्रेजेंट वीक में जो पढ़ाया जा रहा है उन टॉपिक्स और चैप्टर्स को भी पढ़ रहे हो, तो द एंड ऑफ द वीक मतलब वीक के एंड में, दैट इज ऑन द संडे, व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू डू द रिवीजन। वीक के एंड में आपको रिवीजन करना है, जिसमें वो टॉपिक्स जो प्रेजेंटली पढ़ाया जा रहा था उसको भी रिवाइज करना है, और वो टॉपिक्स जो कि आपके बैकलॉग्स रह चुके हैं उनको भी रिवाइज करना है। इस चीज को अगर आप फॉलो करते हो तो द एंड ऑफ द ईयर जब भी आप पेपर देने जाओगे तब आप कुछ भूलोगे नहीं, और आपको ऐसा लगेगा नहीं कि ये टॉपिक मैंने शायद से पढ़ा नहीं है या फिर ये टॉपिक मेरा ड्रॉप हो चुका है। समझ में आया? नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते, दैट इज हाउ टू अवॉइड बैकलॉग्स। अब इतना सब कुछ जो पॉइंट हमने देखा है इसमें तो आपको बता दिया कि बैकलॉग्स को किस तरह से कवर करना है, वो तो आप कर लोगे, आपको पता चल गया किस तरह से कवर करना है, बट इन फ्यूचर अगर ऐसे कुछ कंडीशन आता है तो बैकलॉग्स को अवॉइड कैसे करें? ऐसा सब कुछ नहीं होना चाहिए, इसलिए बैकलॉग्स को किस तरह से अवॉइड करें? कुछ ज्यादा सीरियस क्वेश्चन नहीं है, दो तीन पॉइंट्स इंपॉर्टेंट बता देता हूं। सबसे पहले आपका जो सेल्फ स्टडी चल रहा है उसको चलने दीजिएगा, उसमें से ब्रेक बिल्कुल भी मत लीजिएगा, छुट्टी बिल्कुल भी मत लीजिएगा। जो सेल्फ स्टडी आप हर रोज का 2 घंटे कर रहे हो उसको कंटिन्यू करना, ठीक है। और बैकलॉग्स का इंपॉर्टेंस है ना क्लास 10th के बच्चों से ज्यादा 11th और 12th स्टूडेंट के 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के लिए ज्यादा है, क्योंकि 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स वैसे भी लास्ट के 5-6 महीने में पढ़ के स्कोर कर लेते हैं, बट 11th 12th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए वो पॉसिबल नहीं होता अगर वो एंट्रेंस एग्जाम वगैरह दे रहे हैं। उनके पास ढेर सारे टॉपिक्स होते हैं, ढेर सारे चैप्टर्स होते हैं, इसलिए आपको जो सेल्फ स्टडी है उसको जारी रखना, उसमें ब्रेक बिल्कुल भी मत लाना। सेकंड पॉइंट इज आपको जो स्कूल या फिर जो कॉलेज है उसको रेगुलरली अटेंड करना, ज़्यादा उसमें एबसेंट रह के फिर उसके एबसेंस में कोई और अदर एक्टिविटी मत करना, ताकि जो स्कूल में पढ़ाया जा रहा है, कॉलेज में जो पढ़ाया जा रहा है वो छूटे ना जाए। समझ में आया आपको? एंड थर्ड इज जो आपके स्कूल के या फिर कॉलेज के कंप्लीशन वर्क है उसको टाइम टू टाइम करना। अब कंप्लीशन का और बैकलॉग का क्या लेना देना है मैं बताता हूँ।
अगर आप अभी कंप्लीशंस को टाइम टू टाइम नहीं करोगे तो आगे चल के एक टाइम आएगा जब आपको सेल्फ स्टडी के टाइम में भी कंप्लीशन करना पड़ेगा, और तब जब आप सेल्फ स्टडी के टाइम में कंप्लीशन करोगे तो तब आपका वो टॉपिक पढ़ना छूट जाएगा एंड देन दैट टॉपिक और दैट चैप्टर विल एक्ट एज अ बैकलॉग, और फिर से आपको ये सारी प्रोसेस करनी पड़ेगी। इसलिए कंप्लीशन को भी टाइम टू टाइम कंप्लीट करना, ठीक है। तो अगर आपने वीडियो आज तक देख लिया होगा, आपको अगर पसंद आया है तो एक लाइक जरूर करना, ज्यादा से ज्यादा बच्चों में शेयर करना, नया तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। हम जो मिलेंगे न्यू वीडियो में।